नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। भारतीय क्रिकेट टीम के स्पिनर हरभजन सिंह की पत्नी और बॉलीवुड अभिनेत्री गीता बस्रा ने बेटे को जन्म दिया है। जी हां दोस्तों, बॉलीवुड एक्ट्रेस गीता बस्रा ने 29 अक्टूबर साल 2015 में भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह से शादी की थी, जिसके बाद 10 जुलाई को हरभजन सिंह की पत्नी ने बेटे को जन्म दिया। बेटे से पहले हरभजन सिंह और गीता बस्रा की एक बेटी भी है, जिनका जन्म साल 2016 में हुआ था। दोस्तों, गीता बस्रा के अलावा भी बॉलीवुड की कई एक्ट्रेसेस ऐसी हैं जिन्होंने क्रिकेटर से शादी की और अपना घर बसाया। तो दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि ऐसी बॉलीवुड की वो कौन सी एक्ट्रेसेस हैं जिन्होंने क्रिकेटर से शादी की है। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इसके साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि समय समय पर आपको ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज मिलती रहें। दोस्तों, बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा ने साल 2018 में भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली से इटली में शादी की थी। दोस्तों, शादी के दो साल बाद यानी कि फरवरी 2021 में विराट कोहली और अनुष्का शर्मा के घर बेटी का जन्म हुआ, जिसका नाम वामिका रखा गया। आपको बता दें दोस्तों कि अनुष्का शर्मा शादी के बाद से ही एक्टिंग के बजाय फिल्में और वेब सीरीज प्रोड्यूस करने पर ज्यादा ध्यान दे रही हैं। हालांकि अब खबरें ये भी आ रही हैं कि अनुष्का शर्मा जल्द ही एक्टिंग में भी कमबैक कर सकती हैं। चकते इंडिया फिल्म से फेम हासिल करने वाली एक्ट्रेस सागरिका ने साल 2017 में क्रिकेटर जहीर खान से शादी की थी। अब शादी के तीन साल बाद जल्द ही सागरिका के घर नन्हे मेहमान की एंट्री होने वाली है। दोस्तों, हार्दिक पांड्या और नताशा स्टेनकोविक ने 1 जनवरी 2020 में सगाई की थी, जिसके बाद 31 मई 2020 को दोनों ने सोशल मीडिया के जरिए ये जानकारी दी कि वे पेरेंट्स बनने वाले हैं। गुड न्यूज शेयर करते हुए ही नताशा हार्दिक ने अपनी सीक्रेट शादी की तस्वीरें भी शेयर कर हर किसी को हैरान कर दिया था। 30 जुलाई को बेटे को जन्म दिया। दोनों ने बेटे का नाम अगस्त्य रखा है। दोस्तों, बॉडीगार्ड फिल्म में सलमान खान और करीना कपूर के साथ नजर आ चुकी हेजल कीच ने कुछ महीनों तक रिलेशन में रहने के बाद क्रिकेटर युवराज सिंह से शादी की थी। शादी के दौरान हेजल को गुरबसंत कौर नाम दिया गया था। कपल अक्सर सोशल मीडिया पर अपनी खूबसूरत तस्वीरें शेयर करते रहते हैं। दोस्तों, एक जमाने की सबसे मशहूर बॉलीवुड एक्ट्रेस रह चुकी शर्मिला टैगोर ने साल 1968 में क्रिकेटर मंसूर अली खान पटौदी से शादी की थी। इस शादी से उन्हें तीन बच्चे पैदा हुए, सैफ अली खान, सोहा अली खान और सबा अली खान। दोनों एक जमाने के सबसे पसंदीदा कपल रह चुके हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारे क्रिकेटर्स और बॉलीवुड एक्ट्रेसेस की खूबसूरत जोड़ियों की कहानी। आपको ये पेशकश कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ताकि समय समय पर हम आपके लिए ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस लाते रहें।